हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहू। सो आज का जो ये पॉडकास्ट है, ये ना शुक्री मैडम के ऊपर में है। ये ना शुक्र गुजार इतनी, मतलब इतनी बेहुदी है, इतनी बदमाश है ये, कि कितना भी कुछ भी हो जाए भैया, हमारे लिए तो ब्लॉगिंग इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो समझ जाइए, मैं गुब्बारा मैडम के बारे में बात कर रही हूँ। गुब्बारा मैडम यानी कि सुटारा बोल रही हूँ, हमारी चबूतरा सबा मैडम, उनके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ इनकी भाभी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तब भी इसने अपनी भाभी का कोई साथ नहीं दिया, और अभी जब प्री मेच्योर बेबी हुआ है तब भी ये अब दुम दुबा करके भाग गई सीधा मौदा, क्योंकि इसे तो मैडम को ईद मनानी थी। और कितने अच्छे से अपने आप को डिफाइन भी कर रही है कि मैंने भाभी से पूछा था, लेकिन भाभी ने कहा कि नहीं, जाओ ईद मना कर किया, और बेचारी को घबराहट हो जाती है। इसने देखिए मतलब किस तरह से पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इस मैडम को सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉगिंग ही करनी है। वैसे तो हम लोग भी चाह रहे थे कि जो डिलीवरी वाला सीन है, जो अभी जो सेरोगेसी का जो बात उठा था, तो इस चीज़ ये सही थी या गलत थी, इस पे जनाब को कुछ ना कुछ कहना चाहिए था। तो जनाब ने क्या किया कि डिलीवरी वाला व्लॉग बना करके सबके मुंह पर मार दिया कि देखो सेरोगेसी नहीं हुई है, ओरिजिनल डिलीवरी थी। तो ये तो जनाब और मैडम के व्लॉग में दिखता, सबा मैडम को व्लॉग शूट करने का कोई दरकार नहीं था यहाँ पर। लेकिन ये ना शुक्रिया ऐसे तो बोलती है, बहुत घबराहट हो रही है फ्रेंड्स मुझे। अभी जब जा रही थी ना फ्रेंड्स, तो गाड़ी में मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि मैं क्या करूँ, बहुत लोग मेरा इसमें मजाक भी उड़ाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बहुत घबराहट होनी है फ्रेंड्स, ऐसे करके कर रही थी वो। और क्या किया इसने, बोल रही है कि मेरे फ़ोन पे जो थोड़ा मोड़ा मैंने शूट कर करके रखा था डिलीवरी के टाइम का, वो मैं क्लिप ऐड कर देती हूँ। जबकि साफ समझ में आ रहा है कि जनाब ने जो व्लॉग बनाया उसी का क्लिप इसने अपने व्लॉग में डाल दिया है तोड़ मरोड़ करके। जब ये बक रही है कि मुझे घबराहट हो रही है, उसके बाद ये जब ये चुप हो जाती है, तब दीपिका मैडम वही डायलॉग मारती है जो जनाब के व्लॉग में डायलॉग सुनाई पड़ रहा था। तो ये जनाब वाला व्लॉग इसने क्लिप एडिट कर करके अपने व्लॉग में डाल दिया है, ताकि चलो थोड़े मोड़े व्यूज़ मुझे भी मिल जाए और मैं भी थोड़ा मोड़ा मतलब ये कर लूँ। और अगर मान लो ऐसा नहीं किया, तुमने जनाब वाला क्लिप एडिट नहीं किया है, तुम खुद का ही बना रही थी, तो सोचो ना तुम्हारी भाभी को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, वो 3 बजे रात को पेन से दर्द से गुजर रही है, उसे बच्चा होने वाला है कुछ टाइम के बाद, और तुम्हें व्लॉग की पड़ी, ये मैडम व्लॉग शूट कर रही है कि चलो किसी तरह व्यूज़ तो पाना है ना। अभी कुछ टाइम पहले तो भाई को बदनाम कर ही दिया है कि भाई बेबी कंट्रोल करने वाला, मतलब बच्चा कंट्रोल करने वाला मेडिसिन खाते हैं, बताओ। अभी कुछ टाइम पहले इसने अपने ब्लॉग में यही चीज़ कर करके अपने भाई को बदनाम किया, उसके बावजूद बेचारी ट्रेंड में नहीं गई, तो अब नया ये सीख चालू कर ली कि हाँ चलो अब भाभी का ये वाला व्लॉग शूट करके डाल देंगे तो ट्रेंड में आ जाएंगे। लेकिन भाई तो इसका चला के स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे करके रखा कि जब तक हम व्लॉग बना करके नहीं डालेंगे तब तक किसी को कोई व्लॉग नहीं डालना। मैडम अपने मुझसे बोल भी रही है कि चलो जब भाई ने व्लॉग डाल दिया ना, तब फिर लगा कि हाँ चलो अब हम लोग भी व्लॉग डाल सकते हैं। मतलब इतने दिनों से मन ही नहीं कर रहा था फ्रेंड्स, 4-5 दिनों से तो कुछ भी मन नहीं कर रहा था व्लॉग डालने का, लेकिन जब भाई ने डाल दिया ना व्लॉग, तो मुझे लगा कि हाँ चलो अब तो मन कर रहा है, अब तो हिम्मत भी हो रही है, मूड भी है, तो चलो व्लॉग बना करके डाल देती हूँ, थोड़ा सा अपना गुणगान भी गा लेती हूँ कि भाभी से बोला था। लेकिन भाभी ने मुझे कहा ना कि नहीं तुम चलो ईद बना लो, बहुत घबराहट हो रही फ्रेंड्स, ओके बाय बाय। मतलब राजधानी एक्सप्रेस रुकती ही नहीं है, भगते जाती है, और क्या बोलना है नहीं बोलना है इसको कुछ समझ ही नहीं आता, राजधानी एक्सप्रेस की तरह भगते रहती है। और अभी भी देखिए, ये इतनी बड़ी कामचोर है, जब यहाँ पर दिख रहा है कि ड्राई फ्रूट सबको मिल करके काट रहे हैं दीपिका के लिए, इवन जेंट्स लोग भी मिल करके काट रहे हैं, लेकिन ये मैडम इससे इतनी बड़ी कामचोर है कि इससे कुछ हो ही नहीं रहा। ये चुपचाप से व्लॉग वहाँ पर शूट कर रही, जबकि इसको निकलना है, अब इसको निकलना है मौदा के लिए, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही है, व्लॉग शूट कर रही है, हड़बड़ अम्मी को बाय, पापा को बाय, नाजा खाला को बाय कर रही है, लेकिन व्लॉग भी साथ में शूट करना है। मतलब है राजधानी एक्सप्रेस भी ख़त्म नहीं हो रहा है और निकलना भी है और व्लॉग भी शूट करना है, मतलब हद हो गया भाई। अच्छा अभी क्या इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है कि मायके से हलवा बन करके आता है, मतलब किस गवार ने इसको कह दिया कि ऐसा कुछ होता है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा हो गया है, तो उसका मायके वाला उसको हलवा भेजाएंगे, ससुराल वाला नहीं भेजता है, ससुराल वाला कुछ नहीं करता है। मतलब
कौन कहाँ लिखा हुआ है, किस कहाँ ये पढ़ ली है, हमको तो समझ में नहीं आता। अब किसी का मायके वाला बहुत दूर देश विदेश में रहता होगा तो क्या वो बैठा रहेगा कि जब तक मेरे घर से नहीं आएगा तब तक हम हलवा नहीं खाएंगे, तब तक हमको आगे मेरा प्रेगनेंसी का जो जर्नी है वो स्टार्ट नहीं होगा। मतलब बेवकूफ़ समझ करके रखी, ये सब क्या है, खाली फालतू का नौटंकी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ज़्यादातर ससुराल वाले ही करते हैं। इवन फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ससुराल वाले या फिर जिसकी सास बहुत अच्छी होती है वो तो बोलती है कि मैं अपनी बहू को मायके जाने दूंगी ही नहीं, फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मेरे साथ में ही रहेगी, यहीं पर रहेगी और जितना कुछ करना वो मैं ही करूँगी, मैं मायके जाने नहीं दूँगी। और ये गवार बोल रही है कि मायके चली जाती है और उस मायके से आता है तो हलवा वगैरह जो कुछ भी आता है, मतलब बेहूदगी की दूसरे ही लेवल पर ये मैडम पहुँची हुई है। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल पे बने रहें, हम रोज़ न्यू पॉडकास्ट लाते रहेंगे और इब्राहिम फैमिली की पोल खोलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।